हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई संस्कार पब्लिक स्कूल हरिद्वार उत्तराखंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 13। टाइटल इज अ शेल्टर सो हाई। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी बाइक पर सवार होकर मुंबई से जम्मू कश्मीर तक घूमने निकला है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जब कभी आप कहीं घूमने जाते हो, चाहे वो आपका गांव है, कोई रिलीजियस या टूरिस्ट स्पॉट है, या इवन एनी मॉन्यूमेंट, आप जब भी वहां जाएं तो उस जगह को पूरा एक्सप्लोर करें। वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ का कल्चर कैसा है, क्यूजीन कैसी है, लैंग्वेज क्या यूज़ करते हैं वहाँ के लोग, वहाँ का पहनावा कैसा है, लोकल प्लेसेस में ज़रूर घूमें वहाँ की, एट्सेट्रा को करीब से जानने की कोशिश करें, ताकि उस जगह के बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए। जैसे आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ लद्दाख, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो आइए चलते हैं लद्दाख की यात्रा पर। अ ट्रेवलर्स टेल, यानी एक यात्रा का वृतांत है। आई एम गौरव जानी एंड दिस इज लोनर, माई पार्टनर, माई मोटरसाइकिल। बट लोनर इज नेवर लोनली, वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। मेरा नाम गौरव जानी है, मेरी फ्रेंड मोटरसाइकिल जिसका नाम लोनर है। वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। मैं और मेरी दोस्त लोनर हमेशा एक चांस ढूंढते हैं कि हम मुंबई जैसी भीड़ भाड़ और शोर से भरे हुए जगह से दूर कहीं शांति की तलाश में घूमने जाएं। And we like to travel to different part of this wonderful country. हमें बहुत अच्छा लगता है देश के अलग-अलग जगहों पर घूमना। Let me tell you about our amazing journey on the highest roads in India. और हमें हमारे देश भारत के अलग-अलग हिस्सों में घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं आज हम कहाँ जा रहे हैं। Are you ready? इस जर्नी को 2 महीने लगने वाले थे। मैंने अच्छे से प्लानिंग की थी अपने साथ सब चीजें ले जाने की। I packed a small tent, sleeping bag, plastic sheet, warm clothes and food that would remain fresh for some days. मैंने एक छोटे से टेंट को पैक किया, एक स्लीपिंग बैग को पैक किया, प्लास्टिक शीट्स को पैक किया, गरम कपड़े लिए अपने साथ, कुछ फूड प्रोडक्ट्स लिए जो काफी महीनों तक फ्रेश रह सके, एंड took my camera and extra cans of petrol। अपने कैमरा भी लिया ताकि कई कई चीजों को और नई नई चीजों को कैप्चर कर पाऊं। और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कैंस ऑफ पेट्रोल भी लिए जिससे मेरी बाइक आराम से चल सके और पेट्रोल की कमी भी फील ना हो। मुंबई पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली। मुंबई से शुरू होकर हमने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सब राज्यों को पार करते हुए दिल्ली तक पहुंचे। It took me 3 days to cover 1400 kilometers from Mumbai to Delhi. मुंबई से दिल्ली जाने में हमें 3 दिन लगे और 3 दिन में मुंबई से दिल्ली जाने के लिए हमने 1400 किलोमीटर्स के सफर को तय किया।
बट दिल्ली लुक जस्ट लाइक मुंबई. आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट द सेम काइंड्स ऑफ हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स ग्लास एंड स्टील. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड. तो चलिए देखते हैं कि गौरव जानी कहाँ जा रहे हैं. गौरव जानी मुंबई से अपनी बाइक में सवार होकर दिल्ली जा रहे हैं. इसी बीच उन्होंने काफी स्टेट्स को कवर किया. तो आइए देखते हैं उन्होंने किन-किन स्टेट्स को कवर किया. आई पैक मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यूड. जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कुछ और चीजों को अपने साथ लिया. इन 2 डेज वी वर इन मनाली. हम जब वो दिल्ली से चले और मनाली के लिए निकले तो मनाली जाने में उन्हें 2 दिन लगे. इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रीद द क्लीन एयर. मनाली एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जहाँ की ताजी ताजी हवा में सांस लेते हुए मुझे बहुत ही मजेदार एहसास हुआ. Now the real journey was begin. We had to travel through difficult roads of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh. लेकिन अभी तो जर्नी स्टार्ट ही हुई थी. मैं अपनी बाइक में सवार होकर बहुत ही मुश्किलों और कठिनाइयों वाले रास्ते से गुजरने वाला था. जम्मू कश्मीर के स्टेट में और जम्मू कश्मीर से मुझे कहाँ जाना था? लेह, जो है लद्दाख में. गौरव जानी दिल्ली से सीधा वन मनाली से जब गौरव जानी और लोनर आगे चले तो दे वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस ईच डे. यानी उन्होंने बहुत सफर तय करते हुए हर दिन बहुत लंबे लंबे सफर तय किए. ऑल आई नीड वॉज फूड अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. उन्हें बीच बीच में फूड और टेंट जो है उनको रहने के लिए और खाने के लिए उनको प्रोटेक्ट करते रहे फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर, रात की ठंडी हवा से बचाने के लिए. माई नाइलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन टू टू स्लीप. मेरा नाइलॉन का जो टेंट था वो इतना छोटा था कि मैं जब उसमें सो जाता था तो उसमें आस या उसके आसपास जगह नहीं बचती थी. उसमें मेरा मैं उस टेंट में केवल मैं ही आ सकता था. लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट. लोनर जो उसकी बाइक थी वो टेंट के बाहर खड़ी रहती थी. द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स वोक मी अप टू सी द सनराइज. पक्षियों की आवाज, ठंडी ठंडी हवा ही मुझे सुबह सूर्य के दर्शन होते थे. सनराइज दिखता था. बहुत सुंदर फीलिंग थी टेंट में रहने की. आखिरकार लोनर और मैं पहुंच ही गए कहां? ले. फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच एन एरिया. हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट. हाई है क्योंकि ये माउंटेन्स पर है. बहुत ही ड्राई एरिया है ले क्योंकि यहाँ आसपास दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता. फ्लैट है इसलिए क्योंकि ये पहाड़ियों के बीच है, समतल है. रास्ते आसपास पहाड़ियों से ढके हुए हैं और इसलिए इस जगह को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है. कोल्ड यहाँ पर, दैट्स व्हाई ले इज आल्सो कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया.
In Leh, I found myself in a quiet street with beautiful white houses. As I rode slowly, I found that I was being followed by a group of children. They called out, "Jule, Jule," meaning welcome, welcome. जैसे ही मैं लोनर के साथ आगे बढ़ रहा था, मैंने देखा कुछ छोटे छोटे बच्चे मेरा पीछा कर रहे थे. They called out, वो पुकार रहे थे, "जूले, जूले." जूले जूले का मतलब होता है ले की लैंग्वेज में वेलकम वेलकम. ये सब बच्चे मेरी लोनर यानी मेरी मोटरसाइकिल को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे. एट होम विद ताशी. ताशी ड्रैग मी टू इज होम. ताशी मुझे खींच कर अपने घर ले गया. ताशी उन सब बच्चों में से एक बच्चा था. इट वॉज अ बिल्डिंग विद टू फ्लोर्स. उसका घर दो मंजिल का बना हुआ था. द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच वर केप्ट वन ओवर द अदर. द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम. द हाउस लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे. उसका घर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर जोड़कर बना था. उसके घर की दीवारों में एक मोटी सी लेयर मिट्टी की और चूने से लगाई गई थी. घर को अंदर से देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत सी सूखी घास इसमें जमा की गई हो. अभी इस चैप्टर को यहीं पर हॉल्ट देते हैं. सो डू रिवाइज दिस चैप्टर एट होम एंड विल कंटिन्यू टू नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.